राज्य सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को मेगा मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन के तहत जागरूकता एवं राहत बचाव कार्य पर आयोजित कार्यशाला का आयोजन राजकीय डिग्री कॉलेज इंदौरा के मैदान में किया गया। इंदौरा प्रशासन की ओर से इंदौरा के सरकारी कॉलेज के भवन को आपदा का शिकार बनाया गया और उसको मद्देनजर रखते हुए राहत एवं बचाव कार्य किए गए। इंदौरा के उपमंडलीय अधिकारी गौरव महाजन, तहसीलदार ज्ञानचंद ठाकुर, थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र सिंह धीमान के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इस मेगा मॉक ड्रिल में उपस्थित रहे। इस मेगा मॉक ड्रिल में विशेष रूप से इंदौरा होमगार्ड कंपनी के जवान एवं दमकल विभाग के कर्मी भी उपस्थित रहे। आपदा के समय राहत और बचाव कार्य कैसे होते हैं करके दिखाया गया। आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह दी जाती हैं ये भी दिखाया गया। इस मौके पर कॉलेज के बिल्डिंग एवं रेस्क्यू करते हुए जहां भवन को सेट किया गया, वहीं भवन के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों स्टाफ सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपदा की इस घटना में जो लोग घायल हुए उन्हें किस तरह से इस आपदा में राहत पहुंचाई जानी है, कैसे उन्हें प्रथम उपचार देकर निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाना है, तमाम कार्य किए गए। इसके साथ ही प्रथम द्वितीय एवं तृतीय भवनों में फंसे हुए लोगों को किस तरह रेस्क्यू करके बाहर निकालना है यह भी राहत एवं बचाव कार्यों के तहत किया गया। उपमंडल अधिकारी इंदौरा गौरव महाजन ने बताया कि राज्य सरकार के आह्वान पर मॉक मेगा ट्रेड के तहत उपमंडल इंदौरा में ये राहत एवं बचाव कार्य किस तरह होते हैं को लेकर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की ओर से कॉलेज के भवन को आपदा का शिकार होने की स्थिति में किस तरह यहाँ पर आपदा में फंसे छात्र छात्राओं एवं स्टाफ सदस्यों के साथ साथ अन्य लोगों को बचाया जा सकता है के बारे में जानकारी दी गई। होमगार्ड एवं पुलिस विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया, राहत एवं बचाव कार्य किए और लोगों को सुरक्षित रहने और बचाव कार्य किस तरह करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज डिग्री कॉलेज इंदौरा में आपातकालीन स्थिति को बनाया गया, जिसे हमने स्टेज एरिया का नाम दिया था और एक हमारा जो इंसिडेंस रिस्पॉन्स सिस्टम है वो इस पर कैसे कार्य करेगा, हमारी कार्य प्रणाली किस तरह से इस पर कार्य करेगी अगर कोई भी आपदा आ जाती है, तो उसके बारे में एक मॉक ड्रिल रखी गई थी जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो सहयोगी थे होमगार्ड से SHO साहब थे, इन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से इसमें जो है क्विक काम किया, प्लस जो मेडिकल की टीम भी थी उनकी भी एम्बुलेंस वगैरह जो है मौके पर आ गई थी। तो आज एक अच्छा हमारा कार्यक्रम हुआ है और हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कोई भी आपदा अगर हमें यहाँ पर हिट करती है तो हम शीघ्र अतिशीघ्र जो है लोगों को रिलीफ पहुँचाने में कामयाब होंगे। इंदौरा से गगन की रिपोर्ट।